अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सास बहू के किचन में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज हमारे किचन में बनने लगा है जी पकौड़ा प्लेटर। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सास बहू का किचन और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए मजे मजे के खानों की अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए। थैंक यू। तो जी पकोड़ा प्लेटर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो आपको बताती हूँ जी। कौन कौन से पकोड़े हैं हम बनाने लगे हैं जी। आलू के पकोड़े, जो गोल आलू वाले पकोड़े होते हैं, बॉयल्ड पोटैटो से जो बनते हैं। उसके साथ जी हम मिर्च के पकोड़े बनाने लगे हैं, हम बैंगन के पकोड़े बनाने लगे हैं, और हम प्याज वाले जो नॉर्मल पकोड़े होते हैं वो भी बनाएंगे, ज़रा थोड़े से डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने आलू के पकौड़ों से। ये है जी मेरे पास हसबे ज़रूरत बेसन, जिसको मैंने पानी के साथ इसको अच्छे से मिक्स किया हुआ है। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखी है, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी क्यों है वो जी मैं आपको बताती हूँ अभी। जी आलू के पकौड़ों की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए जी बेसन, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बेसन है। एक ही दफ़ा मैंने इसको घोल लिया है, पहले घोल के रखा है, क्योंकि बेसन जो है फूलता है, जैसे मैंने आपको मकई का आटा जब बताया था उसी तरह इसको भी पहले हमने घोल के रख लिया है। बॉयल आलू है हमारे पास, नमक हसबे जायका है, थोड़ा सा हरा धनिया है, ये है जी दादर लाल मिर्च, ये है जी हमारे पास जीरा मोटा मोटा कुटा हुआ है, और ये है जी हमारे पास सूख मिर्च, और ये है जी हमारे पास सूखा धनिया, इसको भी हमने मोटा मोटा सा पीस लिया है, बिल्कुल फाइन, ये चॉप्ड नहीं है। ओके जी हमारी चली गई हुई है जी लाइट, और बस मोबाइल की लाइट में आज वीडियो बन रही है। तो ये देखें जी आलू डालिए है एक बड़ी सी परात में। अब आपने क्या करना है, इन आलू को हाथ से सिर्फ आपने इस तरह से मोटा मोटा तोड़ लेना है, बिल्कुल मैश नहीं करना। ग्रीन अगर पार्ट हो आलू का तो उसको आप लोग बाहर निकाल दें। ये देखें ये मोटा मोटा इसको तोड़ लिया है हमने। अब जी इसमें चीज़ें डालते हैं, नमक, बाद में टेस्ट कर लेंगे हम। और जी ये है हमारे पास ज़ीरा, जल्दी जल्दी काम करेंगे क्योंकि तीन चार चीज़ें बनानी हैं। ये हो गई जी हमारे पास मिर्चें, ये दादर मिर्चें मैंने थोड़ी सी रखी हुई हैं तो ये मैं ज़रा सारी डाल दूँगी। सूखा धनिया काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, ये देखें दूसरों में पकौड़ों में भी डालना है इसलिए इसको थोड़ा डालूँगी, थोड़ा साइड पे कर दूँगी। हरा धनिया डालते हैं। इसके बाद जी आपने इसको हाथ की मदद से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब जी ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब जी थोड़ा सा हम लोग मिक्सचर लेंगे और इसको इस तरह से आपने हाथ पे करना है, गोलाई में बॉल बनाएंगे हम। ये देखें जी इस तरह से हम लोग सारे बॉल्स बना के रख लेंगे और फिर इसकी कोटिंग करते हैं। देखें जी क्लोज कर देते हैं। ओके जी बॉल मैं अम्मी को दे रही हूँ बनाने के लिए, और उतनी देर में हम बनाने लगे हैं मिर्चों के पकोड़े। और मिर्चों के पकोड़ों के लिए क्या कुछ चाहिए, हमें चाहिए जी मोटी मिर्चें, ये वाली जो थोड़ी सी ज़रा मोटी हो, जिनकी फिलिंग आसानी से हो सके। इसको कट लगाया है और इसके अंदर से सीड जो है वो जितने निकल सकते थे वो निकाल दिए हैं। और इसके साथ हमें चाहिए जी नमक हसबे जायका, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये हमें चाहिए जी पिसा हुआ सूखा धनिया, ये मेरे पास है जी भर भर के 3 चम्मच, अनारदाना था खट्टे वाला। अगर अनारदाना मीठा हो तो आप लोग लेमन जूस यूज़ करेंगे साथ, और अगर आपका अनारदाना जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा है तो फिर लेमन जूस की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है जी, इस अनारदाने के अंदर ये डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा हमने मसाला बनाना है तो ज़रा ज़्यादा डलता है इसमें, ज़ीरा, ये हो गया जी सूखा धनिया, मिर्च नहीं डालनी है इसमें, सिर्फ नमक डालना है, थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप अब हम करने लगे हैं, ये सारी चीज़ों को हमने कर लिया है मिक्स अच्छे से। अब आपने क्या करना है कि ये मिर्च पकड़नी है और इसके अंदर सारी हमने इसकी फिलिंग कर देनी है, ये देखें इस तरह से। ज़्यादा पसंद है ज़्यादा कर दें, कम पसंद है तो कम कर दें, ये देखें जी इस तरह से इनकी हम सारों की फिलिंग करके इस तरह रख लेंगे। ये देखें जी हमने ली है कढ़ाई, और मैं प्रेफर करूँगी कि जो नॉर्मल घर पे जो कढ़ाई होती है पुरानी वाली, उसी के अंदर हम लोग पकौड़े वगैरह बनाएंगे, ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, मैं नॉनस्टिक यूज़ नहीं कर रही। ये आलू हमने सारे गोल बना के रखे हुए हैं। अब क्या करना है जी, जो बेसन हम लोगों ने मिक्स करके रखा हुआ है उसमें जस्ट मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और उसमें अब हम करेंगे जी इसकी कोटिंग, ये देखें इस तरह से एक डाला, अच्छे से इसको आपने
बेसन में कोट किया, इसको निकाल लेंगे और ये कढ़ाही में डाल देंगे। ये इस तरह से मैं सारे डालती जाऊंगी। ये देखें जी, इसमें डाल दिया है, इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना है। इस तरह से इसको ऊपर डालते जाएं, बार बार इसमें डालते साथ ही तो बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना, वरना इसका सारा बेसन जो है वो उतर जाएगा। ये देखें जी, इनको हमने हाफ डन करना है। ये देखें, ये अभी ब्राउन, गोल्डन ब्राउन नहीं हुए बिल्कुल। जब आपको लगे कि इसका जो ऊपर हमने कोटिंग की थी वो थोड़ी हार्ड हो गई है, तो इसको आपने निकाल लेना है। और ये आज की इसमें टिप आपको मिलने लगी है। ये देखें जी, अब हम बाकी का बैच इसमें डालेंगे। ये देखें जी, आलू हमने हाफ डन करके निकाल लिए हैं। अब ये जो मिर्चें हैं इनकी फिलिंग भी रेडी हो गई है सारी हमारी। अब हमने क्या करना है, उसी बेसन में, ये देखें उसी बेसन में हम लोगों ने मिर्चें जो हैं उनको डिप करना है। ये देखें इस तरह से। बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए आपको ज़रा शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा रहे हैं। और ये देखें जी, इस तरह से आपने इसमें सारी मिर्चें भी डालते जानी है। ये दूसरी भी डाल देते हैं। ये देखें जी, मिर्चें भी हाफ डन हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, इनको भी हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखें जी, इनको भी निकाल लेते हैं। और इनको और आलू को हाफ डन करने का मकसद क्या है, वो ये है क्योंकि जो प्याज वाले पकौड़े हैं उनको हाफ डन नहीं करते, उनको फ्रेश बनाते हैं, तो जितनी देर में वो बनेंगे ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, इस वजह से हम लोग इनको हाफ डन पहले निकालते हैं। ओके जी, आलू हाफ डन हो गए हैं, मिर्चें हाफ डन हो गई हैं। अब बारी आ गई है जी बैंगन के पकोड़े की। तो इसको काट के आप पहले नहीं रखेंगे क्योंकि बैंगन ब्लैक हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है जी, इसके ऊपर एक पिंच नमक की, इधर आपको हो ब्लू पल्ट, इसको प्रेस करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। इसके साथ ही आप इस पर लगाएंगे मिर्च, ठीक है, ये देखिए मिर्च लगा देंगे, इसको भी प्रेस करेंगे इस तरह से, साइड चेंज कर देंगे, दूसरी तरफ भी जी एक चुटकी नमक, टैप टैप कर देंगे ताकि इस पर अच्छे से लग जाए, सूख मिर्चें टैप टैप कर देंगे ताकि अच्छे से इस पर लग जाए, क्योंकि बैंगन जो है ऊपर से आपको बेसन में नमक आएगा तो अंदर से ज़रा फीके फीके लगते हैं, तो इसलिए इसमें इस तरह से आप इनको स्पाइसी करने के लिए ये चीज़ करेंगे। ओके जी, अब ये जो बैंगन है इनको भी सेम वही बेसन है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको भिगोया था क्योंकि सारी चीज़ें हमारी इसी में बननी है। इसको कोट करेंगे और इनको इसमें डालते जाएंगे थोड़ा सा। ये देखें, कोट किया और ये इसमें इस तरह से। ये देखें जी, हमारे बैंगन भी हाफ डन हो गए हैं, इनको भी निकालने लगी हूँ। ये देखें, इनको भी गोल्डन ब्राउन नहीं किया, बस थोड़ा सा पकाया है और इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, ओके जी, सब कुछ करने के बाद ये बेसन हमारे पास बच गया है। अब इसी बेसन के अंदर हम लोग बनाने लगे हैं प्याज के पकोड़े। उसके लिए आपको चीज़ें बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। प्याज के पकौड़ों के लिए जी मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ये है जी मेरे पास प्याज कटी हुई है, इसके अंदर हरी प्याज कटी हुई है, ये ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा जिसको हम स्प्रिंग अनियन कहते हैं। ये देखें ये चीज़, फोकस कर दें ज़रा, ये हरा प्याज है, हरा धनिया है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी मैंने काट ली हैं। और उसके साथ जी मेरे पास हरी मिर्चें हैं, कुटा हुआ अनारदाना है, सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी थोड़ा सा दरदरा सा पिसा हुआ है, सूखा धनिया है, ये भी दरदरा पिसा हुआ है, दादर लाल मिर्च है, ये मेरे पास है जी अजवाइन, अजवाइन को मैंने अच्छे से धो लिया है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसमें बहुत रेत होती है, इसको धो के यूज़ किया करें। नमक हसबे जायका है, सुर्ख मिर्च का पाउडर है, और ये मेरे पास है जी एक अदद आलू, इसमें ये बहुत टेस्टी लगता है। अब आप बनाएं तो स्प्रिंग अनियन और आलू ज़रूर ऐड कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो चलें जी, ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम इस बचे हुए बेसन के अंदर डाल देते हैं। और ये देखें, ये छोटी सी पिंच इस मैंने स्पून में रखी हुई थी सोडे की, मीठा सोडा जो होता है, और वो इसके अंदर मैंने गिरा दी है। कोई बात नहीं जी, ये सोडा भी साथ ही इसके जा रहा है। मेरे घर में सब खाते हैं जी थोड़े फूले फूले से पकौड़े, सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करती हूँ।
ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। हाथ का इस्तेमाल करूँगी जी, ये काम मैं हाथ से करती हूँ। इसमें डालेंगे जी ज़ीरा, इसमें डालेंगे जी सुरख मिर्चें, इसमें सूखा धनिया ज़्यादा जाता है सारा डाल दूँगी, अजवाइन इसमें डाल देंगे हम, ये सारी, नमक हसबे जायका, बेसन में ऑलरेडी थोड़ा नमक है इसलिए पहले थोड़ा सा रखा है, आलू डालेंगे, साथ ही डालेंगे जी थोड़ी सी सुरख मिर्चें और अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें जी हमारे पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया है। ये सारा जो प्याले का हाल आप देख रहे हैं कि यही प्याला क्योंकि यूज़ हो रहा है शुरू से तो इसका ये हाल हो गया है। कोई बात नहीं जी, ज़्यादा बर्तन नहीं भरेंगे इसलिए इसी में ही मिक्सचर रेडी कर लिया है। तो चलिए जी अब उसको फ्राई करते हैं। ये देखें जी अब मैं कोई स्पून वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, हाथ से मैं पकौड़े बनाती हूँ। और ये देखें जी इस तरह से आप लोगों ने डालते जाने हैं और पकौड़े बनते जाने हैं। ये आ रही है ना खिचूंगन हलवाई वाली फीलिंग। अब इनको फ्राई करते हैं। ये देखें जी हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े रेडी हो गए हैं। बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड किया था। तो ये देखें जी ये हमने फ्राई कर लिए मज़ेदार से पकोड़े। इनको अब हम बाहर निकालेंगे। अब देखें ये गर्मा गर्म निकलेंगे और जो पहले हमने हाफ डन चीज़ें की हैं उनको फटाफट से फ्राई कर लेंगे, वो टाइम नहीं लेंगी बिल्कुल भी, तो हमारी कोई चीज़ भी ठंडी नहीं होगी, इसलिए उनको पहले हाफ डन किया था, बाद में करते तो ये वाले पकोड़े ठंडे हो जाने थे। अब जी ये देखें ये जो आलू हमने फ्राई किए थे ये देखें गोल मटोल से, अब क्या करना है आपने इसको रखना है हथेली पे और इसको दूसरे हाथ से आपने इस तरह से प्रेस करना है, ये थोड़ा सा इस तरह से टूट जाएगा। इसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें इससे क्या होगा जी, ये जो जहाँ से टूटा है वहाँ से ये क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखें जी इस तरह से इनको हम दोबारा से फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी आलू फ्राई हो रहे हैं प्लेटर में। जो चीज़ें मैंने सेट करनी है उस हिसाब से जी इसमें जगह भी है तो साथ में मिर्च डाल देती हूँ क्योंकि ये पकी हुई हैं, बस इन्होंने हल्का सा क्रिस्पी होना है, तो इकट्ठे करके इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें जी दोनों चीज़ें हमारी जो है वो अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और ये देखें क्रिस्पी भी हो गई हैं। ये किनारे आप देख लें यहाँ से कितने क्रिस्पी हो गए हैं। अगर ये बिल्कुल राउंड में आप दोबारा फ्राई करेंगे तो वो अंदर से थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, इस तरह से बहुत टेस्टी लगते हैं। ये है जी टिप आज की कि जब भी आपने गोल वाले आलू बनाने हैं इस तरह बनाने हैं। तो चलिए जी इसको भी रिसाव कर लेते हैं और बैंगन भी दोबारा से हम लोग एक बार फ्राई कर लेते हैं। ये देख लें जी आप लोग इसको भी जी अब डाल देते हैं बैंगन दोबारा से फ्राई होने के लिए, इनको भी हम लोग क्रिस्पी कर लेते हैं। सो ये देखिए व्यूअर्स हमारा मज़ेदार सा पकौड़ा प्लेटर बिल्कुल रेडी हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। और सर्व कर रहे हैं जी हम धनिया पुदीने की चटनी है और ये हमारे पास इमली और खुबानी की चटनी है। इन दोनों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले से शेयर कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो जब भी बनाएं फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ ताकि अपने फेसबुक पेज पर लगा सकूँ। पेज का नाम है जी सास बहू का किचन। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। यू गाइस आर माई फैमिली एंड आई विल मेक एवरीथिंग फॉर यू। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों के साथ एक रेसिपी इस रेसिपी के अंदर ही शेयर कर रही हूँ, शायद आप लोग के घर में बनती हो। ये है जी दही पकौड़ा। मेरे ससुराल में जी ये बहुत बनते हैं गर्मियों में खास तौर पे, क्योंकि सुबह को करेले भिंडी और इस किस्म की चीज़ें पकती हैं और रात होता है जी दही पकौड़े बना लो। तो जी वो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है जी, पकौड़े बनाने हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने तोड़ लेना है इस तरह से। साथ आपको चाहिए जी एक चुटकी नमक, एक चुटकी आपको चाहिए जी सुरख मिर्च, क्योंकि दही को इसके फ्लेवर के साथ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद है। तो क्या करेंगे जी सिंपली ये सारे जो पकौड़े हैं इसके अंदर डाल देंगे, सारा कुछ डाल देंगे साथ ही। और ये हो गई मिर्चें और इसको आपने कर देना है अच्छे से मिक्स। दैट्स इट, ये हमारे मज़ेदार से दही पकौड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये देखें जी दही पकोड़े रेडी हो गए हैं। और मज़े की बात यह है कि ठंडे ज़रा अच्छे लगते हैं, गरम गरम रोटी और थोड़े ठंडे ठंडे ये दही पकोड़े। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी